नमस्कार। यह सवाल 2004 से 2020 तक कई बार पूछा है वर्ल्ड बैंक लाइव में, और उन्होंने ऐसे टफ, खतरनाक से खतरनाक सवाल पूछने को अलाउ किया था, इसलिए पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि सारे युद्ध एक सवाल खड़ा करता है कि हम या तो सपने में रह रहे सारी मानव जात, या तो सबका ब्रेन वॉश किया गया है? ऐसा आपको नहीं लगता? ब्रेन वॉश यानी किसी को कुछ चाहिए तो उसको ब्रेन वॉश करके उससे वो काम करवा लेने का, उसको ब्रेन वॉश कहते हैं। ओके, बाद में पूछा गया है, इसमें अच्छे बुरे, दैवी और पाशवी, इसमें सब शामिल है। इसमें दैववादी लीडर्स या तो यानी स्पिरिचुअल लीडर्स शामिल है, अच्छे बुरे, इसमें जो सत्ता में अच्छे बुरे वो लोग भी शामिल है, इसमें अमीर और गरीब अच्छे बुरे लोग शामिल है, इसमें अच्छे बुरे हर कम्युनिटीज़ के लोग भी शामिल हैं, इसमें अच्छे बुरे बिजनेस हाउसेस शामिल है, इसमें अच्छे बुरे कंज्यूमर्स यानी जो कंज्यूमर्स यानी सारे जो अपना अगर दूध खरीदते हैं या फिर सामान खरीदते हैं या तो किराना खरीदते हैं जो रहते हैं वो कंज्यूमर्स रहते हैं, पता है आपको ना, वो अच्छे बुरे वो भी शामिल हैं। इसमें सारे अच्छे बुरे नेशंस शामिल हैं, इसमें सोल्जर अच्छे बुरे सोल्जर यानी सैनिक भी शामिल है, इसमें अच्छे बुरे जॉब करने वाले शामिल हैं, इसमें हर प्रकार के जो यानी इसमें स्त्रियां पुरुष हर प्रकार के एज ग्रुप के लोग शामिल हैं, इसमें अलग अलग कम्युनिटीज़ और लोकेलिटीज़ और गवर्नमेंट्स सब शामिल हैं, इसमें विविध कुटुंब भी शामिल है, फैमिलीज भी शामिल है, और ये टूटने टूटने का सिलसिला तो बिल्कुल चलता ही जा रहा है, जिसमें लोगों का ब्रेन वॉश करके उनसे कुछ भी काम किया करवा सकते हैं और किया जा रहा है उनको। बिल्कुल हम लोग जागरूक अवस्था में फिर भी हमारा ब्रेन वॉश हो सकता है, हम सोए उस समय भी हमारा ब्रेन वॉश हो सकता है, हम लोग हिप्नोटिक कंडीशनिंग करके कि आपको ऐसा ऐसा बताया जाएगा, ऐसा ही हुआ है, वैसा वैसे वीडियोस बता के ऐसा करके उनका ब्रेन वॉश करके उनसे कुछ भी काम करवा सकते हैं, उसको कंडीशनिंग बोलते हैं, और हिप्नोटिक कंडीशनिंग करके भी ये सारे काम करवा रहे हैं, युद्ध ये सवाल खड़े करते हैं। ठीक है, क्या हम पूरी जिंदगी ऐसे ही जीने वाले हैं? क्या मानव जात जब अंत हो रही है उससे भी ऐसे ही जीने वाली है? हमको ये सोचना पड़ेगा। क्या आप एग्री करते हैं? क्या इसमें इसके ऊपर आप खुद भी सवाल कर सकते हैं या इसको एग्री करते हैं यानी आप इसको मान्यता देते हैं इस सवाल को? ठीक है, क्या ये सिलसिला कभी टूट सकता है? क्या इलीगल लेगेसीज टूट सकती है जिसके कारण हरदम कोई किसी के ऊपर राज करेगा, हम बड़े हैं हम छोटे वगैरह, ये जो सारा इलीगल लेगेसीज बोलते हैं सदियों से चलते आ रहा है, कभी टूट सकेगा? इसके ऊपर क्या सॉल्यूशन है? इसके ऊपर क्या हम जवाब ढूंढ सकते हैं जो फिर इम्प्लीमेंट करके हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सके, फिर चंद्रमंगल के परे भी जाके वहाँ पे भी हम शाश्वत विकास लक्ष्य प्राप्त कर सके? और ये सारे जो मानव जाति ने किए हुए जो हर्डल्स हैं, बैरियर्स हैं, ऐसे जो दीवाले खड़ी कर चुकी है, वो कभी हम तोड़ सकेंगे? क्या हम सब एकजुटता से रह सकेंगे? इसके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा। हमें और साइंटिफिक कम्युनिटीज़ में भी ये सारे दीवाले तोड़ने पड़ेंगे कि जीवन ऐसे होना चाहिए, जीव ऐसे जी सकते, सांस लेके ऐसा करके वैसा करके, ये भी हमें एक दीवार वो तोड़नी पड़ेगी, क्योंकि जीव कैसे भी रह सकते हैं, वैक्यूम में भी रह सकते हैं और सूरज के ऊपर भी रह सकते हैं, ये हम क्यों नहीं सोचते? और एक लाइट की स्पीड से ज़्यादा जा नहीं सकते, ये भी एक बैरियर है और एक दीवार खड़े करके रखी, इसके परे नहीं जा सकते, ऐसे ऐसे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारे सवाल खड़े करते हैं। तो क्या हम हमारा ब्रेन वॉश क्या ऐसे बैरियर्स में दीवाले खड़े करके रहते, ये कभी हम इसके ऊपर आ सकते हैं? आ सकते हैं तो इसके ऊपर क्या सोल्यूशन है, क्या जवाब है, हमको ये ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो हम हमारे एक दूसरे से युद्ध में हम लोग मर जाएंगे,
मानव जात, ऐसा आपको नहीं लगता क्या? ऐसा अगर करेंगे तभी हम लोग शाश्वत विकास लक्ष्य यहाँ वहाँ जहाँ भी जाएंगे कर सकेंगे। आखिर में और पहले भी धन्यवाद दिया था, धन्यवाद वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक कि हमें आप ऐसे मजबूत सवाल खड़े करने का अवसर दे रही है। आपका क्या जवाब है इसके ऊपर बताइए। धन्यवाद।